24 MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने गुस्से में आकर लोगों को दी गाली। राजनीति में भाषाई मर्यादा का स्तर गिरता ही जा रहा है और इसकी मिसालें अक्सर सामने आती रहती। ऐसा ही एक मामला हरियाणा से सामने आया है, जहां हरियाणा की बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने गुस्से में आकर जनता को ही गाली दे दी। हरियाणा और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अम्बाला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रतन लाल कटारिया के पक्ष में प्रचार करने के लिए अम्बाला निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव के दौरे पर थे, जब लोग बीजेपी मुर्दाबाद अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद गुस्साए विज ने लोगों के साथ अपशब्द का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद लोग भड़क गए हैं और विज की गाड़ी का घेराव कर दिया। हालांकि मौजूद पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों नेताओं को मौके से निकाल लिया। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया था और उनकी तुलना महाकाव्य रामायण की एक दानव तड़का से कर डाली। पीएम नरेंद्र मोदी 20 साल बाद आएंगे फतेहबाद। विरोधियों को दिखाएंगे ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल के बाद एक बार फिर फतेहबाद आ रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 साल पहले अगस्त 1999 में फतेहबाद की ही MM कॉलेज में नरेंद्र मोदी बतौर हरियाणा प्रभारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आए थे। बुधवार को जब मोदी बतौर प्रधानमंत्री फतेहबाद आएंगे तो उनके जिम्मे हिसार सिरसा सीट पर बीजेपी का कमल खिलने की जिम्मेदारी होगी। इन दोनों सीटों पर आज तक बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं जीती है। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत नहीं करेंगे। वह कुरुक्षेत्र में PM मोदी की रैली में नजर आएंगे। वह रैली की पूरी व्यवस्था बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से एन पहले सुभाष बराला मंच संचालक की भूमिका में आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी की व्यवस्था चलते बीजेपी नेता एक एक मिनट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की दिल्ली में विजय संकल्प महारैली आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में आज शाम विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। महारैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली भाजपा के नेता पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने मंगलवार को दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए रामलीला मैदान के साथ ही बाहर सड़क पर ही LED स्क्रीन लगाई गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की दिल्ली में यह पहली महारैली है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी 14 संगठनात्मक जिले और 272 मंडलों में कार्यकर्ता की बैठक हुई है। भाजपा प्रत्याशियों में मेट्रो में सफर करके दिल्ली वासियों को आमंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अभियान चलाया गया है। मोदी का भाषण सुनने के लिए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ ही मुस्लिम महिलाएं, व्यापारी, गरीब सभी वर्ग के लोग रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। गर्मी में लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए रैली स्थल पर पेयजल की व्यवस्था की गई है और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।